हेलो फ्रेंड्स, आई एम सचिन राणा फ्रॉम ओशियन इंटरनेशनल। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ सब आप अच्छे होंगे। आज का जो वीडियो रहने वाला है वर्क वीज़ा से रिलेटेड, तो कुछ क्वेरीज थी, कुछ क्वेश्चंस थे आपके, जो मैं जिनका आंसर करने की कोशिश करूँगा, और जो हमारे पास वैकेंसी चल रही हैं उसके बारे में बताऊँगा, और हमारे रिसेंटली जो वीज़ाज आए हैं वो मैं आपको दिखाऊँगा। कुछ एप्लीकेंट्स का या कुछ व्यूवर्स का ये क्वेश्चन था कि लास्ट वीडियो मैंने पासपोर्ट्स दिखाए थे, जैसे सपोज पासपोर्ट मैं उनको वीडियो में दिखा रहा था, तो आई थिंक वो वीडियो में क्लियर नहीं आए थे। आज मैं कोशिश करूंगा कि बिल्कुल नज़दीक से, क्योंकि कुछ लोग कह रहे थे कि पासपोर्ट पे जो है नाम वगैरह नहीं दिख रहा है, शायद टूरिस्ट वीज़ा है, आप झूठ बोल रहे हैं, बहुत चीज़ें थी, तो ये सारा कुछ कवर करेंगे। और ये भी बताऊँगा कि किस टाइप के एप्लीकेंट्स को जाना चाहिए और किस टाइप को नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो ये वीडियो लास्ट तक देखते रहिएगा। दोस्तों, सबसे पहले बात आती है कि कौन कौन से टाइप के लोगों को जाना चाहिए और कौन से टाइप के नहीं जाना चाहिए। आप जो जाना चाहिए जाएं सिर्फ वो जिनको एक्चुअल में नीड है जॉब की, जिसको नीड नहीं है वो मत जाएं। या इंडिया में जैसे सपोज हमारे पास कुछ कैटेगरीज आती हैं, लेबर क्लास की कैटेगरीज हैं, वो कोई बहुत हायर क्लास के नहीं है। रेशो सैलरी की रहती है 25 से 35 हज़ार की, ओवर टाइम के साथ 25 से 35 हज़ार जो एप्लीकेंट कमा लेता है, और उसमें से 2-4 हज़ार निकाल के वो बचा लेता है बाकी पैसा। तो ये चीज़ें होती हैं। अगर कोई भी एप्लीकेंट की सैलरी इंडिया में 15 हज़ार से नीचे नीचे है, वो एप्लीकेंट जाए। जिसके घर से बहुत अच्छा बैकग्राउंड है, पैसा बहुत है, वो एप्लीकेंट बिल्कुल भी ना जाए। रिसेंटली अभी आपको मैं एक बताता हूँ, एक कंपनी में हमारे लड़के गए थे, काफ़ी अभी वहीं पे हैं, बट अब उनके फैमिली मेम्बर्स यहाँ पे बता रहे हैं उनको क्या हुआ कि वहाँ पे उनका काम में प्रॉब्लम कर रहे हैं कि हमने काम नहीं करना है। कुछ सैलरी के लिए डिस्प्यूट हुआ होगा, ठीक है, सैलरी जो भी एज पर द लेवल ऑफ बनती थी वो उनको मिल गई, ठीक है, किसी सुपरवाइजर ने सैलरी कम दी उनको, कम उनके वर्किंग आवर लगाए, तो जब उन्हें डिस्प्यूट किया तो हमने उनका मैटर सॉल्व कर दिया। ये छोटी मोटी प्रॉब्लम्स चलती रहती हैं, क्योंकि लैंग्वेज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। वर्कर्स को कई बार लैंग्वेज समझ नहीं आती है, वो क्या बोल रहे हैं, क्या सुपरवाइजर बोल रहा है, तो ये चीज़ें काफ़ी होती हैं। तो वहाँ पे जैसे ही वो प्रॉब्लम सॉल्व हुई, उसके बाद लड़कों ने वहाँ पे काम करना बंद कर दिया। सभी ने नहीं, जैसे 4-5 लड़के टोटल, उनमें से अराउंड 150 वर्कर्स टोटल उस कंपनी में है, पर 4-5 वर्कर जिन्होंने काम नहीं करना था, उनको गए हुए बहुत कम टाइम हुआ था, आई थिंक 1 मंथ अप्रॉक्सीमेट हुआ था ऑन एन एवरेज, तो उन्होंने एक गुट बना लिया कि हमने काम नहीं करना है। तो उनके फैमिली मेम्बर्स हमारे पास आए, वो कहते हैं सर हमारे बच्चे जो है वो कह रहे हैं हमने काम नहीं करना है वहाँ पे। मैंने उनसे पूछा रीज़न बताइए क्या है, हमें भी कंपनी में आके रीज़न देना पड़ता है, क्योंकि फिर उन्होंने बताया कि देखो रीज़न क्या है, जो सैलरी का डिस्प्यूट जो भी हुआ था उसके बाद वहाँ का उनको मन नहीं लग रहा है, वो बोले हमने काम करना ही नहीं है यहाँ पे। मैं क्या, फिर आप एक चीज़ बताइए, तो गए क्यों, रीज़न बताइए गए क्यों, क्योंकि जाने के भी पैसे लगते हैं, वापस आने के लिए भी पैसे लगते हैं। कंपनी जो है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लेके जा रही है, एक सिंगल 1 मंथ या 1 ईयर के लिए नहीं लेके जा रही है। तो ये चीज़ समझनी चाहिए, कोटा लेना पड़ता है इमिग्रेशन से, इमिग्रेशन कोटा पैसा क्या देती है, फ्री में नहीं देती है। अब उनके घर वाले ने काफ़ी मनाने की कोशिश की उनको कि तुम ठीक है तुम काम करो 6 महीने 1 साल काम करो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होती है तो हम बैठे हैं, कंपनी बैठी है, ठीक है। तो वो चीज़ नहीं, वो सीधे कह रहे हैं कि आज अगर आपने करना है सॉल्व तो करिए, नहीं तो हम नहीं करेंगे यहाँ पे, हम नहीं रहेंगे। तो उनके माँ बाप बेचारे यहाँ पे ऑफिस में आके परेशान कह रहे थे कि सर हम बहुत परेशान हैं, ये एक तरफ ये नहीं समझ रहे हैं, ठीक है, और लड़कों को हम जितना, तो आप जो है इनका वापसी का करवा दीजिए। तो ऐसे टाइप के एप्लीकेंट मत जाइए जो एकदम से एक छोटी सी चीज़ से नेगेटिव हो जाते हैं या छोटी सी चीज़ से पॉजिटिव हो जाते हैं। उनके घर वाले मुझे बता रहे थे कि पहले कि जिसको मैंने भेजा है, जैसे एक एप्लीकेंट थे, वो कहते हैं कि हमारे अपने सैलून है यहाँ पे, ठीक है, तो 1,000-1,500 दिहाड़ी हम यहाँ पे एक बंदे का कमा लेता था। तो जो 1,000-1,500 पर डे कमा रहा है, मीन्स महीने का 35-40-45 हज़ार कमा रहा है, उसको क्या ज़रूरत है जाने की। ऐसे एप्लीकेंट मत जाइए, इससे आपका भी खराब नाम खराब हो रहा है, स्टेट का नाम खराब हो रहा है, कंट्री का नाम खराब हो रहा है, ठीक है, और हमारे जो कॉन्ट्रैक्ट टूटते हैं वो तो टूटते ही हैं। तो इस टाइप के एप्लीकेंट मत जाइए जिनके घर में फाइनेंशियल सिचुएशन बहुत अच्छी है पहले ही, ठीक है, और जो इंडिया में अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अभी ऐसे वर्कर्स को जाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, जाएं जिसको ज़रूरत है, फाइनेंशियल सिचुएशन अच्छी नहीं है, वहाँ जाके वो 25-30 हज़ार में खुश है, ठीक है, वही एप्लीकेंट जाएं, ठीक है। तो इस तरह से जाएंगे तो सब खुश रहेंगे।
तो इसके बाद बात आती है कि हमारे पास अभी जो रिसेंट वीजा आए हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ, कोशिश करता हूँ वन बाय वन आपको अच्छी तरह से दिखाने का, ठीक है। ये है मिस्टर रजाक संतोष, आप देख लीजिए जितने नज़दीक से ये दिख सकता है, ठीक है। ये देख लीजिए अगर पढ़ा जाएगा तो, आई एम नॉट श्योर बट आई थिंक पढ़ा जाएगा अभी, ठीक है। इनका वीज़ा है, ये वर्क वीज़ा है, कोई टूरिस्ट वीज़ा नहीं। मैं थोड़े आगे आ जाता हूँ, और ये सब के सब वर्क वीज़ा है। जो भी इसको प्रूव कर सकता है टूरिस्ट वीज़ा, मैं उसको 1 लाख रुपये इनाम दूंगा। ये है, ठीक है, इनका नाम है बलीराम। इसके बाद है रिंटू, रिंटू न्यू नेम है रिंटू, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। ये सारे वर्क वीजा है, कोई भी टूरिस्ट वीजा नहीं है। जिसको भी देखने होंगे पासपोर्ट ऑफिस आ जाइए, जिसको होता शक कुछ ही ऐसे व्यूवर्स को होता है, ठीक है, तो उनको अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे उमेश दुबे इनका नाम है, ठीक है। इसके बाद है रोहित कुमार, ठीक है, ये इनका वीज़ा है। फोटो भी दिखा देता हूँ, कई बार बोलते हैं फोटो क्यों छुपा रहे हैं, एक ही पासपोर्ट तो नहीं बार बार दिखा रहे हैं। तो ऐसा काम हमें नहीं चाहिए, ना ना हम करते हैं, ना हमें ज़रूरत है। ये हैं मानस करज सिंह, मानस करज सिंह, करज, ठीक है, मानस करज सिंह, नए नए नाम देखने को मिलते हैं हमें भी। संजीव कुमार, ठीक है, ये हैं संजीव कुमार। अब ये देखिए नज़दीक, आई थिंक ये कैमरे में इतना अच्छा नहीं आ रहा है, बट फिर भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और इसके बाद हैं शमशेर सिंह, ये देखिए शमशेर सिंह, ठीक है। आई थिंक लाइट भी यहाँ पे जो है पड़ रही है, मैं लाइट तो थोड़ा बंद करता हूँ, फिर देखता हूँ आपको दिखेगा या नहीं दिखेगा, ठीक है। इसके बाद हैं, एक सेकंड में, इसके बाद हैं रणवीर सिंह। सर लाइट के बिना आपको अच्छा दिख रहा है? यस, लाइट के बिना आपको सही दिख रहा है, ठीक है। ये है रणवीर सिंह, आप देख लीजिए इसमें अगर कोई दिक्कत है किसी को, सेम एज इट इज सबके वर्कर्स के वीज़ाज हैं। एक दो के और दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको तसल्ली हो जाए, क्योंकि मुझे यही होता है कि किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये देखिए आराम से देखिए जितना दिख रहा है, मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ दिखाने की। तो ये सारे वर्कर्स हैं जिनका जो है वर्क वीज़ा आया है, ठीक है। और अप्रॉक्सीमेट इनका वीज़ा ऑन एन एवरेज जो टाइम है 1 हफ्ते से लेके 1 महीने में आ गया था ऑलमोस्ट। उसके बाद 10-15-20 दिन जो है यहाँ से फ्लाइट में लग जाते हैं, ठीक है। ये वर्कर्स वही वर्कर्स हैं जो वर्कर्स पाम ऑयल के लिए या रबड़ प्लांटेशन के लिए इस टाइप के कामों में जा रहे हैं, सारे मेहनत करने वाले हैं, बट जाने से पहले सब कहते हैं हमने मेहनत करनी है। जब वहाँ पहुँच जाते हैं तो कहते हैं हमारे से ये नहीं, और होते सिर्फ 2-4% है, सब नहीं, ठीक है, सिर्फ 2-4% होते हैं जो कहते हैं कि हमने जो है नहीं काम करना है। तो अभी भी आप लोगों से ये रिक्वेस्ट है, कोई भी एप्लीकेंट ऐसा होता है जिसका फाइनेंशियल सिचुएशन इंडिया में अच्छी है, वो मत जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है जाने की, ठीक है, उससे सबके लिए प्रॉब्लम है। तो अभी हमारे पास वैकेंसीज कौन सी चल रही हैं, एज यूजुअल जो है हमारे पास अभी पाम ऑयल प्लांटेशन है, ठीक है, जिसमें काम क्या होता है मैं आपको पहले बता चुका हूँ। उसमें काम होता है खेती का, जिससे पाम ऑयल का फ्रूट निकालना, कटिंग करना, पानी देना, खाद देना, ठीक है। ये ऐसे एरिया में काम होता है, कोई शहर में काम नहीं होगा। 20-25 किलोमीटर का एरिया उसी कंपनी का होता है, वहाँ पे कंपनी के घरों के अलावा और कोई घर नहीं होगा, ठीक है। कंपनी के ही अंदर एक एस्टेट में, एस्टेट कहते हैं एरिया को, 20-25 किलोमीटर के एरिया, उसमें एक शॉप जरूर होती है, ठीक है, और उनके अंदर सारी फैसिलिटीज होती हैं, बेसिक सब कुछ होता है, ठीक है। बाकी मार्केट जो है वीकली या 2 हफ्ते में, 3 हफ्ते में या महीने में 1 या 2 बार कंपनी मार्केट भी लेके जाती है, सब कुछ राशन पानी सब कुछ वहाँ पे प्रोवाइड होता है, ठीक है। मेडिकल फैसिलिटीज कंपनीज देती हैं, मेडिकल फैसिलिटीज, अब जुकाम बुखार ये चीज़ें हैं, मैं तो ये कहता हूँ इंडिया से अपना लेके जाइए, क्योंकि वहाँ की डोजेस जो होती हैं वो कम एमजी की होती है, जिससे कि हमारे इंडियन वर्कर्स को जल्दी आराम नहीं मिल पाता है, क्योंकि हमें इंडिया में हैवी डोज खाने की आदत पड़ी है। हमारे हम तो अपने वर्कर्स को कहते हैं इंडिया से 200-400 रुपए की अपनी सारी मेडिसिन, 2-2, 3-3 पत्ते लेके जाइए, उससे क्या है टेंशन नहीं रहती, क्योंकि हमारे यहाँ पे 500 mg, 300 mg, 200 mg, वहाँ पे चलती है 10, 20, 30 mg, ठीक है। तो ये चीज़ें कुछ होती हैं।
और वहाँ पे कंपनियाँ क्या करती हैं, एक चीज़ ध्यान से सुनिएगा, बेसिक सैलरी 1100 रिंगिट होती है प्लस ओवर टाइम होता है, ये होता है स्टार्टिंग के 3 मंथ के लिए, क्योंकि हमारे वर्कर्स जो है बहुत चालाक बनते हैं कि हमने हमें तो 1100 मिलेगा ही मिलेगा प्लस ओवर टाइम मिलेगा, ऐसा नहीं होता। 1100 प्लस ओवर टाइम 3 महीने तक मिलेगा, उसके बाद अब कंपनीज ने कॉन्ट्रैक्ट देना शुरू कर दिया है, ठेका देंगे। ठेका क्यों दे रहे हैं, क्योंकि हमारे वर्कर जो हैं जिन्होंने 8 घंटे बिताने हैं वहां पे, वो बिताते थे, प्रोग्रेस शाम को कुछ नहीं निकलती थी, ठीक है, 8 घंटे के काम में वो 2 घंटे का काम करते थे सिर्फ। तो अब कंपनी, सभी कंपनी, एक कंपनी ने, ऑलमोस्ट सभी कंपनी ने ये कर दिया है कि हम हर एप्लीकेंट्स को कॉन्ट्रैक्ट देंगे, ठेका देंगे। सपोज इतने एरिया में खाद फेंकनी है, तो उस एरिया का प्राइस आपको पता होगा कि इस एरिया में खाद फेंकने हमें 50 रिंगेट मिलेगा, तो वर्कर क्या करेगा, जल्दी जल्दी फेंकेगा और दूसरा काम शुरू कर देगा। और हमारे पुराने वर्कर्स हैं तो जो कॉन्ट्रैक्ट वाले हैं वो सैलरी 2500 3000 तक भी कमाते हैं, बट मेहनत भी करते हैं, ऐसा नहीं है कि, और जो बेसिक सैलरी वाले पे रोने लग जाते हैं, हम बेसिक पे करना है, बेसिक बेसिक पे सिर्फ वही होता है जिसने काम नहीं करना है, ठीक है। तो जब फ्रूट नहीं होते हैं, जिस सीजन में फ्रूट फ्रूट 12 महीने नहीं होता, 8 9 महीने फ्रूट होता है, ठीक है, फ्रूट कटिंग का काम भी मिलता है, स्प्रे का काम भी मिलता है, खाद का काम भी मिलता है, प्रूनिंग कहते हैं, कांट छांट का काम भी मिलता है, ये सारे काम मिलते हैं, ठीक है। तो अलग अलग काम में अलग अलग कंपनियां करवाती रहती हैं, तो कभी कोई काम चलेगा, कभी कोई काम चलेगा। जो ऑल ऑन एवरेज सैलरी है वो अच्छी सैलरी 1500 1700 1800 इतना कमा सकता है, 2000 से ज्यादा भी कमाते हैं, बट हम किसी को कहते नहीं है, क्योंकि हर एक इंडिविजुअल का अलग जो है कमाने का तरीका है। कुछ लड़के 800 भी नहीं कमा पाते हैं, कुछ लड़के 700 भी नहीं कमा पाते हैं, फिर वो रोने लगते हैं कि हमने काम नहीं करना है यहाँ पे। जो वहां पे मेहनत से अच्छी तरह से काम करे उसको अच्छी सैलरी मिलती है। और हमारे हमें एक खुशी की बात है कि हमारे ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 99.9% वर्कर्स जो है उनको सैलरी एज पर द एग्रीमेंट उससे ज्यादा ही मिलती है, अच्छा पैसा मिलता है, जो इंडिया से बोल के करते हैं उससे बेटर ही मिलता है। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि मेहनत करनी है तभी जाइए, धूप में काम होता है, बाहर काम होता है, होते पेड़ है वहां पे लगे हुए, पेड़ के नीचे काम होता है, बट फिर भी एटमोसफियर बाहर का होता है, बाहर काम होता है, कोई फैक्ट्री नहीं है, ठीक है, सारा मेहनत का काम है। और मेरी रिक्वेस्ट सबसे यही है कि जब भी जाइए, जहां भी किसी भी काम के लिए जाइए, तो अपनी सेफ्टी जरूर देखिए पहले, ठीक है, अपनी सेफ्टी जरूर देखिए ताकि कोई किसी को किसी भी तरह से प्रॉब्लम ना हो, सेफ्टी सबसे पहले है। हम भी कंपनीज को टाइम टू टाइम बोल बताते रहते हैं, जैसे वर्कर्स को बताता है कि ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम है या कोई और प्रॉब्लम है या किसी तरह से कोई और इश्यू है, तो हम उसको सॉल्व करवाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। आज से 5 साल पहले, 10 साल पहले और आज के फैसिलिटीज में फर्क है। पहले अकोमोडेशन बहुत बेकार देती थी कुछ कंपनीज, तो जिस कंपनी की अकोमोडेशन हमें सबसे बेकार मिलती है उसमें हम काम ही करना छोड़ देते थे। तो इस टाइप के काम है, 1100 बेसिक है प्लस ओवर टाइम है, अगर आपने काम करना है तो आप अपने डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस आइए। और कोई भी वर्कर ऐसा होता है जिससे कि महीने में हमने एक 4 5 वर्कर्स के हेल्प करते हैं, जिसका 10 20 30 40 हज़ार तक का खर्चा हम करते हैं, बाकी वो करता है, ठीक है, तो 50% तक खर्चा हम करेंगे। तो आपको अगर लगता है आपने अप्लाई करना है तो दिए हुए नंबर पर कॉन्टैक्ट कीजिएगा, समटाइम अगर कॉल पिक नहीं हो पाती है तो डायरेक्टली अपना डॉक्यूमेंट्स लेके ऑफिस आ जाइएगा, ठीक है, पासपोर्ट फोटोग्राफ एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स। मेडिकल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में होता है, ऑथराइज मेडिकल सेंटर में, हर कहीं मेडिकल नहीं होता है, जो बेसिक ऑथराइज है वहीं पे होता है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, तो अगर आपने अप्लाई करना है तो हमारे दिए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए, थैंक यू। Call me, call me, call me.